जी मैं एक दो दफा हूँ लेकिन मैंने फायरिंग नहीं हुआ लाइसेंस नहीं है तो मैं बस कंपनी किया था खुद हंटिंग नहीं की ये जैकेट भी आपको किसी हंटर दोस्त ने दी होगी <laughs> नहीं जी कलर उस तरह के हैं लेकिन हंटिंग वाली नहीं है टिपिकल हंटर्स जैकेट लगती है ब्राउनिंग और कबेला की ऐसी होती है ऑरेंज कैप शैप भी है नाइफ वगैरह भी है लेकिन गन वगैरह नहीं शख्सियत मर्द है नहीं nah, जी मत नहीं जी, ऐश्याई। जी, ऐश्याई है जिंदा जी जिंदा। एशियाई जी एशियाई भी हैं? एशियाई भी हैं एशियाई भी हैं शकील साहब एक शख्सियत जो खातून है जिंदा है और एशियाई भी हैं। एक जिंदा खातून जो एशियाई भी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एशियाई भी का क्या मतलब? एशिया का ही है लेकिन ही। और के भी है। हाँ किसी और मुल्क की नेशनलिटी सिटीजनशिप भी होगी चले साउथ एशिया जी साउथ एशिया इंडिया नहीं जी इंडिया नहीं पाकिस्तान से ताल्लुक हुआ जी पाकिस्तान से था डू वी नीड टू कंफर्म आई ताल्लुक शोबिज से शुरू किया जाए फिर शोबिज से शोबिज या स्पोर्ट्स? इल्मो फजल।, इल्मो फजल से है जी मुफ़ग़ल से कोई प्रॉब्ली कोई राइटर होंगी जी साजिद साहब कोई राइटर जी अदीब है वेबसी सिद्धवा शकील साहब वेबसी सिद्धवा की तरफ जाएगी बात अच्छा जी कोई नावलिस्ट है जी नावलिस्ट है क्रो ईटर्स इनकी तखलीक है जी वन ऑफ देम और आजकल अमेरिका में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं जी टीचिंग कर रही है आजकल तालुक लाहौर से है इनका जी बुनियादी तलबा और मैं समझता हूँ कि जिन नौजवानों को अच्छी फिक्शन का शौक है ना तारीख के तनाजर में जो फिक्शन लिखा जाता है वो फिक्शन रहता नहीं है क्योंकि उसमें चंद किरदार चेंज किए जाते हैं वाक जो का तू होता है उन्हें आइस कैंडी मैन ज़रूर पढ़नी चाहिए आपने बेफसी सिद्वा पूछिए जी जी

नहीं नहीं मैंने अपने बच्चों को बता दिया था कि फौरन पहचान लेंगे आप जिक्र भी काफी कर चुके हैं उनके बारे में शो के ऊपर जी जी और मेरा मेरा ध्यान पहले वो गया था मिस चनाई की तरफ तो क्योंकि वो भी कनेडियन सिटीजन है ना जी नहीं मुझे इनका नहीं पता शर्मिन शर्मिन वो शर्मीन कर चुके हैं पहले शर्मिन की बात कर शुक्रिया बहुत शो थैंक यू ब्रदर थैंक यू आपकी रियासत से मुझे एक नस्बत आया यू आर फ्रॉम वर्जीनिया ना जी जी वर्जीनिया आई वर्जीनिया में बड़ा टाइम गुजरा है कहाँ रहते हैं मैं फेयर फैक्स हूँ फेयर वाओ फेयर काउंटी ग्रेट फॉल्स के साथ क्या जी मैं शो में पहले भी आ चुका हूँ अच्छा 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 डॉक्टर मरूल आपको पूछा था लास्ट और आपका मैं कहने लगा था आपका सब्जेक्ट फाइनेंस है इकोनॉमी है जी जी चलें थैंक यू वेरी मच ब्रदर थैंक यू अल्लाह हाफि अल्लाह हाफि जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंज हाशमी साहब असल जी वालेकुम सलाम क्या हाल है आपका जी बिल्कुल ठीक आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम टू कसौटी थैंक यू थैंक यू सो मच स्टार्ट करते हैं हाशमी साहब पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में ना हाँ जी शायद दो दफा जी जी आशी साहब शख्सियत मर्द है जी सर मर्द है जिंदा जिंदा एशियाई जी एशियाई साउथ एशियन जी बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं सर पाकिस्तानी तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मोस्ट प्रोबेबली इंडियन पूछ ले फिर इंडिया से कंफर्म करना पड़ेगा जी इंडियन को इंडियन पर्सनालिटी जी सर इंडियन एक जिंदा इंडियन मर्द एम आई राइट जी सर तो शोभा देखा जाए जी शोबिस से शुरू कर जिंदा इंडियन मर्द या क्रिकेटर है या क्रिकेटर और एक्टर और सम जर्नलिस्ट अच्छा जी ताल्लुक शोबे से है जी सर शोबे वजह शोहरत अदाकारी है वजह शोहरत अदाकारी नहीं है मौसीकी है जी मौसीकी शख्सियत जो मौसीकी वजह शोहरत है उसकी और इजी uh, अ uh, सिंगर जी सर सिंगर भी है सिंगर भी है कंपोजर भी है सिंगर भी है दस सवाल बुनियादी तौर पर प्लेबैक uh, सिंगिंग में मशहूर है ये बुनियादी तौर पे जी जी बुनियादी तौर पे बिल्कुल बुनियादी तौर पे प्लेबैक सिंगर है। यानी फिर फिल्मी सिंगर हो गया ना जी प्लेबैक सिंगर के तौर पे तो फिर ज़ाहिर है उर्दू हुआ उर्दू है सोनू निगम है अभिजीत है जीत अदनान है। समी अदनान समी भी है अदनान समी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनता है इन्होंने कहा आउटराइटली कि नहीं है तो इसलिए इट इस इज़ नॉट अदनान समी और ये राशिद ख़ान भी नहीं हो सकते क्योंकि राशिद खान बुनियादी तौर पर प्ले सिंगर नहीं है और ए ए आर रहमान तो सिंगिंग नहीं करते सिर्फ ए आर रहमान बुनियादी तौर पे कंपोजर हैं जहाँ आपने तर... बुनियादी का सवाल किया ना इक्वली हैं सिंगर भी नॉट और सर ए आर रहमान भी गाते हैं ए आर सर नॉट मच नहीं मच उनकी वजह शोरत उनकी सिंगिंग नहीं है तो इसलिए हम उधर जाते ही नहीं हैं गाते होंगे अच्छा लेकिन ये जो आप साइबर दे दिए हैं कि वो बुनियादी तौर पर सिंगर नहीं है लेकिन देखें राशिद खान ने दो चार गाने मशहूर गाए हैं जब वी मैट वगैरह के बाकी उन उनकी सारी सिंगिंग और उनका कैलेबर इतना हाई है उस घराने का कि प्लेबैक सिंगिंग से ऊपर के लोग हैं वो फिर आ जाए सोनू की तरफ हैं जी क्या कहते हैं और पंजाबी का नहीं हमने किया प्लेबैक सिंगर है मोस्ट प्रोबेबली वो उर्दू ही है उर्दू हिंदी हिंदी सिंगर अच्छा जी वजह शोहरत हिंदी गाने हैं जी सर हिंदी गाने पंजाबी नहीं है बारह सवाल फिर ये वो जो कंपोजर नहीं थे क्या कमाल सानू क्या थे वो क्या, क्या उनका नाम है कुमार कुमार सानू सानू था यही नाम है ना जो आपने जो बताया था शकील के वो मुसलमान है आपने इन्हीं के, के बारे में बताया अनु मलिक के बारे में अनु मलिक इज कंपोजर एज वेल एज सिंगर सोनू निगम पहले हो चुका है इसलिए उसको भी रूल आउट कर दो फिर रह गया अभिजीत और अरिजीत ये दो हैं ये भाई साहब वो तो नहीं है जिन्होंने बहुत ज्यादा गाने किशोर कुमार के गा रखे हैं दोबारा रीडू कर रखे हैं नहीं सर ये नहीं अभिजीत नहीं है फिर। क्या सोनू निगम पाकिस्तान आ चुके हैं ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है भाई सोनू निगम हो चुके हैं सोनू निगम नहीं है अरिजीत अरिजीत एक नाम है अरिजीत फिर शकील फेत पे आए जी जी आइए आइए जरा हाशमी साहब ये कोई हिंदू पर्सनालिटी जी सर हिंदू फोर्टीन क्वेश्चन देन ही कांट बी अरिजीत सिंह क्योंकि अरिजीत सिंह इज अ सिंह ऐसे कुछ हिंदूज भी सिंह लगाते हैं साथ यस yes. वो तो नहीं वो तो बड़े अच्छे कंपोजर भी हैं सिंगर भी हैं वो लेकिन वो दो हैं एक तो नदीम

सिक्सटीज और सेवेंटीज की मशहूर डुओ थी इनकी कोई एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैसे शंकर जयकिशन है पंद्रह सवाल ये निकल जाएगा हाथ से मामला क्योंकि मैं नए सिंगर्स को बहुत कम जानता हूँ सबसे मशहूर ये बस वही है सोनू निगम ही है सोनू निगम है अभिजीत है अरिजीत सिंह है और सिंगर्स में शकील साहब कोई हिम्मत कीजिए ये पूछना पड़ेगा कि इस वक्त एक्टिव हैं रिटायर्ड हैं पुराना ना हो पूछा हो लेकिन वो अभी इनएक्टिव हो जी पूछिए बड़ा अच्छा सवाल बनता है हाशमी साहब इस वक्त एक्टिव हैं ये शख्सियत जो है जी सर एक्टिव है म्यूजिक सीन पे ओके 16 क्वेश्चंस वही मसला ना कि वो करंट जो है सिंगर्स उनको हम फॉलो नहीं कर रहे जो अभी इससे पिछला आपका सवाल था ना जो आपने सिक्सटीज वाला डुओ पूछा था वो बहुत क्लोज क्वेश्चन बनता है इनके लिए भी नहीं मैं नाम के साथ okay. डुओ के साथ या जो भी हो आई एम श्योर हाशमी साहब वो डिग्री वेरी क्लोज क्वेश्चन जो इनके लिए बनता है बट लाइक like, थोड़ा सा चेंज करके बनता है आई एम नॉट गिविंग अ हिंट हाशमी साहब बट दैट वाज सो सच अ कोइंसिडेंस सही सही जैसे उस्ताद रईस खान जो है वो लेकिन वो सिंगर नहीं था और ये तो हिंदू पर्सनैलिटी है था। जी जी इस वक्त भी वो इन्होंने बताया एक्टिव है और अब भी क्या वो एक डुओ की शक्ल में भी मशहूर हैं जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल तो फिर ये उन्हीं दोनों में से हैं वो जो हमने अभी नाम लिया ना नदीम और शर्वन ये डेफिनेटली उन्हीं में से है वो भी एक ग्रुप है ग्रुप ऑफ टू और थ्री में भी जिन्होंने ए आर वाई का म्यूजिक कंपोज किया है सिग्नेचर ट्यून मेरे जहन में है वो लेकिन पता नहीं इस वक्त निकल रहा है ये इन्होंने ये बताया कि वो ही है है मतलब एक ग्रुप की शक्ल हाँ, में इंडियन फिल्म्स म्यूजिक भी होते होते तो वो वो जानते नहीं। होते। नहीं, को पता होता नए भला के एक्टर्स हैं महासुआ दो चार के तो कोई उनके पाए का नहीं है यानी शाहरुख इज़ अ ग्रेट एक्टर वो ऋषि कपूर का बेटा बहुत अच्छा एक्टर है ये वही है भैया मोस्ट प्रॉबली जिन्होंने किया है ना उन्हीं में से किसी एक का नाम है जिन्होंने ए आर वाई का सिग्नेचर ट्यून जो है ना वो वजह की थी डॉक्टर so, साहब जी सर सत्रह सवाल हुए हैं

दो क्वेश्चन कंज्यूम करेंगे जी मेरा ख्याल है कंसीड करना पड़ेगा जी कंसीड ही करना पड़ेगा कंज्यूम करें वो जो आप डुओ का नाम ले रहे हैं नदीम और शरवन नदीम शरवन अच्छा जी इस ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है नदीम और शरवन शवरन के, के शर्वन। ग्रुप के साथ शवन नहीं सर वो और हैं जी जी इनमें से नहीं है चले मैं फिर नाम मुझे तो बस एक ही मेरे जहन में नाम रह गया कि अरिजीत सिंह पूछा है आपने नहीं सर अरिजीत सिंह नहीं है बस मुझे नाम यही आता था आप वो जो मैं उसे कह रही थी ना इतफाक बनता है और डुओ कह रहे थे तो ट्रायो में आते हैं। सो तो शंकर पूछा तो है But he is शंकर, ये शंकर कोई और है ना लाइक इट वॉज ये तो अभी है ना कि शंकर एहसान नहीं मैं नहीं जानता ना शंकर एहसान लॉय किसी को नहीं जानता कल होना हो के गाने कभी अलविदा ना कहना के सारे गाने कभी नहीं सुने कभी नहीं सुने लेकिन बरा मस्त बी गुड हमने नहीं सुना नलायकी है नहीं सुना तभी तो नहीं पूछा गया कल... आप पुराने दौर के हाजमी साहब किसी वक्त अब मेरी तरफ से हाथ जोड़ी करके जाएं नेक्स्ट टाइम आप 80 से पहले के कंपोजर सिंगर्स पूछिएगा फिर बात करेंगे आपके साथ मैं जानता हूं सर इसीलिए तो मैंने नहीं पूछा तो 80 के बाद वाला ये तो हमारे पास बब्बू राणा भी नहीं था वो कैफी भी नहीं था इन जैसों के लिए हमने इन जैसे रखे होते थे अब वो भी नहीं है तुम क्या करें कर लेते जी जी फैसल शेरजान साहब भी कर लेते मेरे ख्याल से अगर एफएस को पता नहीं मैं आपने कल होने होगा ना सुना है कल हो न हो आपने कभी अलविदा ना कहना सुना है तो अलविदा के वो तो ना किशोर का गाना है कभी अलविदा ना कहना जो मूवी है शाहरुख खान की आ? वो जो आप कहते बेंच पे के रानी गाना गाना है वक्त ने किया, क्या, हसी ने, तम, उसको ने ने? किया हाँ. हम रहे ना, हम तुम रहे क्या गाना था वो वो तो डिप्रेशन है उस गाने पे तो मैं समझता हूँ बैन लग जाना चाहिए फिर दिल चाहता है जो डिप्रेशन का बायस हो सकता है जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। और समस्या सीरियट मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? जी सर। पाकिस्तानी? हाँ हाँ, नो सर। साउथ एशियन किसने पूछना था अच्छा जी <laughs> <to> <laughs> <laughs> so, सो तो मिडिल कि ज़माने का बंदा है नहीं इंडियन भी हो सकता है इंडियन नहीं पूछे मस्ट बी मिडल ईस्टर्न पर्सनैलिटी भैया साउथ एशिया पूछने पर हज नहीं है साउथ एशिया से ताल्लुक डॉक्टर साहब तो अब अगर डेथ पे हम जाएं, तो उससे कुछ अंदाजा होगा अच्छा डॉक्टर साहब इनके इंतकाल को पचास साल से ज़्यादा हो चुके हैं नो सर नाइनटीन के बाद पच्चीस साल से ज्यादा नो सर नाइनटी एट के बाद नाइनटी एट के बाद की पर्सनालिटी। तो ताल्लुक सियासत से? नो no, सर स्पोर्ट से नो सर चौबीस से नो no, सर दस सवाल इल्म फजल से जी सर हाँ ग्यारह सवाल फजल खुशवंत सिंह हो चुका है yes. कुलदीप नायर हो चुका है कोई रिसेंट डेथ्स शकील साहब इंडियन इल्म फजल के होराइजन पे कोई रिसेंटली हाँ एक हम कर चुके हैं पहले वहीदुद्दीन खान बहुत बड़ा नाम अच्छा जी मेरे ख्याल यहाँ पे भी फेथ इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो फारूकी साहब की डेथ हुई है ना क्या नाम था उनका शमसर रहमान फारूकी या, बड़े, या, बड़े, या, बड़े, या। बड़े क्रिटिक थे नाकिद बहुत पाए के क्रिटिक थे और बड़ा शानदार उनके क्रेडिट पे नॉवल है शायरी आजाद शायरी कई चांद थे सरे आसमा हाँ सरे आसमा तो मेरे ख्याल फेथ का पूछा जा सकता है अच्छा डॉक्टर साहब आपको मुसलमान शख्सियत नो सर ओके okay. यार राहत अंदूरी के बारे में आपका क्या ख्याल है नहीं उन्होंने कहा मुस्लिम तो नहीं अभी एक सिख एक अदीब की डेथ हुई है मेरे ख़्याल पिछले दस, दिन में ना या शायद महीना हो गया हो वो तो पंजाबी शायर था, अदीब था क्रिकेटर भी था मेरे ख्याल में राइटर वो तो फौत हुआ। बेदी और वो राजेंद्र सिंह बेदी था वो राजेंद्र सिंह सिंह बेदी ऑल राइट right. तो इसमें फिर जो है इंडियन राइटर्स में कौन है जी कोई चेक कर लेना कि अदीब है मुहक्क है साइंसदान है बारह सवाल डॉक्टर साहब अदीब हैं कोई नो सर मैथमेटिशियन एक बड़ा मशहूर है इंडिया का वो रिसेंटली तो फौत नहीं हुआ नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो इन्होंने कहा मुसलमान शख्सियत नहीं वरना तो इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो बड़े साइंसदान थे वो हम कर चुके हैं तो और कौन है जी बड़ी शख्सियत भी कोई ऐसा नहीं है शकील साहब ये आपको पूछना चाहिए था ये आपका फोर्टे है मरे भी लोग या इंडियन लोग <laughs> नहीं, इंडियन मैन ऑफ लेटर्स इंडियन रिसर्चर्स ये डेड वर्ल्ड सोसाइटी तो इसको बहुत सूट करती है अच्छा डॉक्टर साहब जोगिंदर नाथ क्या था आजाद या yeah. वो जो पाकिस्तान से इधर से गए थे ना शायर जी 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 जिनके बारे में कहते हैं कि हमारा कौमी तराना पहला कायदे आजम ने उनसे लिखवाया था जी 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 he was from originally from मियाँ वाली तो when did he die मेरे ख्याल है कि चार पांच साल ही हुए हुरे होंगे तो बस आइए उधर उधर आइए फौरन से पहले डॉक्टर साहब उर्दू में उनकी तहरीरें हैं नो सर नो सर सर आपने कहा आदيب नहीं थे देखिए आदيب का मतलब जैसे आप लोग लेते हैं ना वो चार पांच क्राइटेरिया जो एक उसमें आता है लिटरेचर में उसमें नहीं आते हैं। तो फिर आदيب तो ना हुए ना हां आदيب नहीं hmm. ये फिर कोई रिसर्चर कोई स्कॉलर कोई कॉलमनिस्ट कोई मशहूर कॉलमनिस्ट तो बड़ा ही मशहूर कॉलमनिस्ट देखो ही अच्छा, दस हिंदू हमने फेथ हाँ, पता कर लिया। है मुसलमान नहीं है ना ये हुआ था जी और उर्दू में नहीं लिखा उन्होंने तो ये बताएगा उनकी डेथ को दस साल से ज्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट दस साल दो हजार तेरह के

जादूनाथ सरकार भी हो चुका है अब वो तो पुराने हैं ईश्वरी प्रसाद भी हो चुका है जादूनाथ सरकार डाइड इन द इन द 50s अच्छा मे बी ईश्वरी प्रसाद ना हुआ हो कासिम फरिश्ता हो चुका है वो तो बहुत पुराने हैं ना ये तो ऐसा बंदा जो 10 साल पहले है जिसकी डेथ हुई ईश्वरी प्रसाद को देखो अच्छा जी इज ही अ हिस्टोरियन हिस्टोरियन भी है ईश्वरी प्रसाद तो सिर्फ हिस्टोरियन था दास गुप्ता

वो जो आपने मुझे बुक दी थी शकील साहब हाँ वो मेरे ख्याल में ही इज वन पर्सनालिटी जो American मेरे ख्याल में पाकिस्तान हाँ ए हाँ। वो सिविल सर्विस में भी था सिविल सर्वेंट था ना आई थिंक इज एन एकेडमिक ही पीएचडी का थीसिस है उसका या फिर वो गांधी गांधी का आ, पोता आई थिंक ही इज लाइव राजमोहन गांधी राजमोहन 16 सवाल

क्योंकि जासूसी कहानियां सारी लिटरेचर है इनकी जो ये वो नहीं है तीरथराम राम फिरोजपुरी नहीं है कृष्ण चंद्रम कर चुके हैं और पुराना कैरेक्टर ऑलमोस्ट टेन पाकिस्तान बाय एम एस वानी मानी शंकर नो यूरा मानी वनकट रामानी मैं मानी शंकर कह रहा था ना मनीशंकर आयर इज अलाइव हाँ वनकट रामानी और अदीब नहीं है आपने कहा जी यानी उन्हें कोई कहानी कोई ऐसा अफसाना कोई ए, कोई वो नहीं लिखा नहीं जैसे ये पहले भी बात आई थी कि ऑथर राइटर हैं बट नॉट द अदीब नॉट लिटरेचर लिटरेचर नहीं लिए। के लिए वैसे राइटर का ही लफ्ज यूज होता है तो उसको डिस्टिंग्विश हाँ। करने के लिए ऑथर कह दें वही ना अब चूंकि हमने अदीब में लिटरेचर ले रखा है या या अच्छा एक पिछले दिनों एक ऐसा भी बंदा था जो जो लाहौर से बड़ी मोहब्बत करता था लाहौर पे बड़ी बुक्स लिखी उसने ना ही डाइड आई थिंक इन द लास्ट इयर्स वो तो अंग्रेज था यार नहीं नहीं नहीं, नहीं हिंदू हाँ उधर आओ उसकी तरफ आओ क्या नाम था उसका तो ये पूछा जा सकता है जी कि क्या ऐसी शख्सियत जो लाहौर से इंडिया गई डॉक्टर तो साहब ये कोई ऐसी शख्सियत थी जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से इंडिया गई सर अगर

अच्छा तो ये वो शख्सियत नहीं है जिसका लाहौर है जी ये वही नाम वो है आधा नाम, नाम भी मिलता है लाहौर से मतलब वही ना फर्स्ट नेम भी मिलता है लाहौर में पैदाइश मिलती है लेकिन मोहब्बत नहीं मिलती और सर नेम वो नहीं है नेली नेली कुछ ऐसा नाम था उनका क्या तो फिर पूछना चाहिए जी डॉक्टर से ही आप बता दें करें आप बताइए प्लीज सर प्राण चोपड़ा प्राण जर्नलिस्ट अच्छा इफ आई एम असैसिनेटेड का फॉरवर्ड जिसने लिखा है भुट्टो की किताब का फॉरवर्ड लिखा है प्राण चोपड़ा